सभी का एक बार फिर स्वागत है एस नाइन के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर चल रहा है जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं कहीं ना कहीं उनका लिंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है उसका जवाब भी दिया जाता है पलटवार भी होता है लेकिन वह पुख्ता जवाब नहीं होते हैं वह ऐसे संतुष्ट करने वाले जवाब बिल्कुल भी नहीं होते हैं हम आपको बता दें कि अभी बीते दिन की बात है शाहीन बाग के धरने में एक महिला जाती है जो बुरका पहने हुए थी शक हो जाता है वहां के प्रदर्शनकारियों को वह उस महिला की तलाशी लेते हैं तो उससे कैमरा प्राप्त होता है काफी विवाद बढ़ता है उस महिला का जो नाम सामने आया है वह नाम है गुंजन कपूर शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे उस महिला को पुलिस के हवाले भी कर देते हैं यह खबर तो कल की खबर है यह शायद आपको पता भी होगी लेकिन इसके बाद जो सत्य सामने आया है जो तथ्य सामने आया है वह वाकई में हिला देने वाला है हिला देने वाला है लेकिन आपने इस तरह के तथ्य लगातार देखे भी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वह हर उस व्यक्ति को फॉलो करते हुए नजर आते हैं जो देश हित में कार्य नहीं करता है या फिर ऐसे कार्य करता है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तो मेल खाते हैं उसके कार्य लेकिन देश हित के लिए नहीं होते हैं यही मामला गुंजन कपूर को लेकर है गुंजन कपूर का ट्विटर पर अकाउंट है वेरीफाइड नहीं है उसे उस अकाउंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं तो इससे आपको आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरह शाहीन बाग की महिलाओं को लगातार बदनाम किया जा रहा था कि वे 500 सौ रुपए लेकर आती हैं सात सौ रुपए लेकर आती हैं इन बातों का खंडन भी हुआ काफी विवाद भी हुआ फिर इन बातों को लेकर काफ़ी शांति हो गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात कर रहे थे महिलाओं की शिक्षा को लेकर जागरूक करते हुए नजर आते हैं सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ते हैं वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी महिला को फॉलो करते हैं जो एक साजिश के तहत शाहीन बाग के प्रदर्शन में जाती है एक कैमरा छुपाया होता है उसने क्या भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर या स्वयं नरेंद्र मोदी के आदेश पर वह महिला वहां गई थी या उनके आदेश पर नहीं गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे फॉलो क्यों करते हैं यह सबसे बड़ी घटना है वेरीफाइड अका, अकाउंट भी नहीं है कि आपने वेरीफाइड अकाउंट देखकर फॉलो कर लिया फिर भी आप देश के प्रधान सेवक हैं प्रधानमंत्री हैं आपको सोच समझ उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनको आप सही से जानते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है हो सकता है कि इस संबंध में यह कहा जाए कि उन्हें पता नहीं था कि वह महिला वहां जाने वाली है लेकिन सामने जो बातें आ रही हैं उससे तो यही स्पष्ट होता है कि हम बिल्कुल कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस महिला को वहां पर भेजा गया था दो बार गोली चलने की घटनाएं भी सामने आई हैं क्या उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही भेजा गया था ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्या यहां मुसलमान या अल्पसंख्यक महिलाओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कार्यक्रम को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें तब तक के लिए इजाजत दीजिए धन्यवाद